Hello guys, warm welcome to Team IAS YouTube platform. Hope you all have been preparing well, especially for the 69 BPSC prelims exam. In line with the preparation for this upcoming exam, हम लोगों का current affairs का एक series चल रहा है. उसी संदर्भ में आज हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे. और please understand, science technology का यह जो portion है, यहाँ से एक से दो questions repeatedly BPSC पूछता है. अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कुछ खास एरिया से बार बार बीपीएससी सवाल पूछता है. उन्हीं एरियाज को आज हम लोग वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. पहला देखिए, पीएसएलवी C56 यह जो है उपग्रह, इसको प्रक्षेपित किया गया जुलाई 30, 2023 को. कहाँ से किया गया? तो फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है. और इससे सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को इसे प्रक्षेपित किया गया है. प्लीज अंडरस्टैंड, पीएसएलवी C56 जो है यह प्रक्षेपण यान है, जबकि जो उपग्रह है तो वह 7 सिंगापुर के उपग्रह है. कहां पर किया गया इसे प्रक्षेपण? तो पृथ्वी की निचली कक्षा, जिसकी ऊंचाई 535 किलोमीटर है. और प्लीज अंडरस्टैंड, यह पीएसएलवी वेरिएंट जो है इसका ये 58th उड़ान था. आगे बढ़ते हैं. पीएसएलवी C55 उपग्रह, इसको प्रक्षेपित किया गया अप्रैल 22 2023 को. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस वाज द 57th मिशन ऑफ इसरोज पीएसएलवी. और अगर हम पीएसएलवी CA वेरिएंट की बात करें, यानी कि पीएसएलवी में भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो CA वेरिएंट जो है यह 16वीं उड़ान थी पीएसएलवी C55 की. कहां से यह लॉन्च हुआ था? तो अगेन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इज श्रीहरिकोटा. और जो उपग्रह इसके द्वारा प्रक्षेपित किए गए, तो पहला था इलियोस 2, याद रखेंगे इस नाम को. दूसरा लुमेलाइट 4, ये दो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और दोनों सिंगापुर के सैटेलाइट थे. मूविंग फॉरवर्ड, अगला देखिए पीएसएलवी C54. यह जो सैटेलाइट है, ये जो लॉन्च व्हीकल है, यह नवंबर 26, 2022 को लॉन्च हुआ था. कहां से? अगेन फ्रॉम द सेम प्लेस, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से. किस उपग्रह को यह लॉन्च किया है? तो यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-06 को लॉन्च किया है. प्लीज अंडरस्टैंड, EOS-06 इज एन ओशियन सैट सीरीज, यानी कि समुद्र के जो एक्टिविटीज हैं उन पर निगरानी रखने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-06 है. मूविंग फॉरवर्ड, SSLV-D2, जो कि एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और इसको प्रक्षेपित किया गया फरवरी 10, 2023. कहां से ये लॉन्च हुआ है? अगेन फ्रॉम द सेम प्लेस, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. कौन कौन से सैटेलाइट इसके द्वारा लॉन्च हुए? तो उपग्रह में आप देखिए, सबसे पहला है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 07, याद रखिएगा. दूसरा है जानूस 1 और तीसरा है आजादी सेट. इस तीनों सैटेलाइट को याद रखिएगा, जो कि SSLV-D2 के द्वारा लॉन्च किया गया. और प्लीज अंडरस्टैंड, इसको कहाँ रखा गया? तो पृथ्वी की निचली कक्षा, जो कि 450 किलोमीटर के ऊंचाई पर है. आगे बढ़ते हैं. फिर देखिए, जो अगला जो मिशन है वह पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान मिशन, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन एक्सपेरिमेंट जो है, इसको लॉन्च किया गया है अप्रैल 2, 2023 को. यानी कि ऐसा व्हीकल, यानी कि ऐसा प्रक्षेपण यान जो कि सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के बाद पुनः धरती पर आ सके, ताकि वैज्ञानिक या इसरो से फॉर एग्जाम्पल फिर से उसका यूज कर सके, उसे ही पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान मिशन कहते हैं. कहां से ये हुआ? तो चित्रदुर्ग कर्नाटका से. और यह जो है कम लागत में स्पेस टेक्नोलॉजी को पुष्ट करना, वही इसका मुख्य मकसद है. आगे बढ़ते हैं. विक्रम एस जो है, यह इसे लॉन्च किया इसरो ने किस दिन? तो नवंबर 18, 2022. डेट भी स्टेट पीसीएस पूछता है, आपको याद होना चाहिए. कहां से? अगेन फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश. और जो मिशन का नाम है, इस मिशन का नाम है प्रारंभ, प्लीज अंडरस्टैंड. और जो रॉकेट को, यह जो रॉकेट कंपनी है, इसका नाम है स्काई रूट. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट,
यानी कि निजी क्षेत्र के द्वारा इसे बिल्ड किया गया है, जो कि स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए भारतीय अंतरिक्ष नीति जो कि 2023 में आई है, कैबिनेट में इसको इसको पास किया गया है अप्रैल 6, 2023 में। प्लीज अंडरस्टैंड अ फैक्ट हियर कि जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें अगर भारत का योगदान देखें तो less than 2% भी है, और इस भारतीय अंतरिक्ष नीति का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इसको 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, और साथ साथ में जो निजी क्षेत्र है उसकी भूमिका भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ाई जाए। आगे बढ़ते हैं। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिस तरह से इसरो भारत के लिए है, उसी तरीके से कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप हैज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और एक एक मिशन है जूस मिशन। जूस मिशन क्या है? तो डेट इज जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन है, जो कि जुपिटर को स्टडी करने के लिए है। ऑब्वियसली वहां से ये लॉन्च हुआ, तो ये फ्रेंच गायना से लॉन्च हुआ है अप्रैल 14, 2023। चूंकि ये हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यह जुपिटर को स्टडी करने के लिए है। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके 95 मून्स हैं। सबसे बड़ा मून जो है दैट इज गैनीमीड। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए स्पेस एक्स एक कंपनी है जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इनकी ट्विटर भी कंपनी है, और इसने ह्यूजेस्ट जुपिटर 3 एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, एंड दिस इज सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है ये ह्यूजेस्ट जुपिटर 3, और जो इसका प्रक्षेपण यान है वह है फाल्कन हैवी रॉकेट। कहाँ से ये लॉन्च हुआ है? तो फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा और यूएसए में है, और यह अमेरिका में जो है वहां पर वहां के इंटरनेट सर्विस को बेहतर करने के लिए, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को में इंटरनेट सेवा को बेहतर करने के लिए है। देन आगे हम चलते हैं। तो नासा का टेम्पो मिशन आता है। तो टेम्पो मिशन क्या है? दैट इज ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। क्या है ये? दैट इज क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन निगरानी प्रदूषण यंत्र है। इसे भी स्पेस एक्स रॉकेट यानी एलन मस्क की कंपनी ने लॉन्च किया अप्रैल 3, 2023 को। अगेन दिस वॉज लॉन्च फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। प्लीज अंडरस्टैंड वहां पर स्पेस स्टेशन का नाम है केप कनावीरल स्पेस स्टेशन, और यह वायु प्रदूषण को ट्रैक करने के लिए यह मिशन है। मूविंग फॉरवर्ड अगला देखिए, तो टाइफा 1 मिशन जो कि कीनिया का यह मिशन है, और यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पहली बार कीनिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसीलिए यह न्यूज में है। और प्लीज अंडरस्टैंड जो भी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होते हैं उनका मकसद होता है कि जो भी आपदा आने वाली है उससे जुड़ा जो पहले से वार्निंग दी जाती है, तो आपदा चेतावनी, उसके अलावा जो है कृषि और पर्यावरण से संबंधित डेटा, बाढ़ और सूखा से जुड़ा डेटा भी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह देता है। फिर देखिए सेंझू 16 मिशन जो है ये स्पेस मिशन चाइना का है। फिर देखिए अगला मिशन है दैट इज द फतेह मिशन। क्या है फतेह मिशन? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ ईरान है जो कि जून 6, 2023 को लॉन्च हुआ है। इस तरह के सवाल भी स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी में। प्लीज अंडरस्टैंड जो जो यह हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह, इसकी स्पीड है दी हाउ मच मैक स्पीड है? तो 15 मैक है, यानी कि इट्स स्पीड इज 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। करेक्शन हियर, एपोलॉजी, साउंड का जो स्पीड है उससे 15 टाइम्स ज्यादा है जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह ईरान का उसका है। आगे बढ़ते हैं। आर्टेमिस मिशन जो है ये मून मिशन है, किसका है? तो ये मून मिशन है नासा का, और जो प्रक्षेपण यान है ये है ओरियन। फिर देखिए कि नासा का डार्ट मिशन जो है दैट इज डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, और यह जो है क्षुद्र ग्रह से संबंधित है। ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के लिए डेंजरस होते हैं और उनका साइज भी बहुत बड़ा होता है, तो उसी को हिट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यह एक्सपेरिमेंटल यह टेस्ट चल रहा है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। रिमाइंडर, आज से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लगभग हर दिन लाया जाएगा। अराउंड 100 क्वेश्चंस वुड बी देयर इन ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट। प्लीज यू ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, आइए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए।
आपको अपने जो आपकी तैयारी का लेवल है उसके बारे में आपको पता चलेगा, और साथ में कहीं कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो जो प्रैक्टिस सेट टीम आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लाएगा उसमें आपको मदद मिलेगी। प्लीज सब्सक्राइब टू टीम आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, प्लीज डू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड कमेंट। शॉर्टली हम अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। अंटिल देन, गुड बाय।